डॉक्टर साहब, सीएम साहब से मिलने पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई? देखिए, समय कम है, विकास की रफ्तार को धार धार करना है। और ख़ास करके मैंने युवाओं के बारे में बात रखी कि सर, हमारा युवा आक्रोश में है और उस आक्रोश को मुझे रोकना है। जल्दी बहाली निकालिए। कई लोग फ़ोन करते हैं हमें और पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, तो मैंने सारी बातों से अवगत करा दिया। मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर दिखे और बहुत जल्द बम्पर बहाली वो निकालने जा रहे हैं। सबका राय भी लिया, कैसे कैसे निकालेंगे रिफंड तुम बताओ। हमने अपना राय दिया और हमने कहा कि देखिए, जो एजेंसी को हायर करते हैं, कोशिश कीजिए कि लोकली हो। हमारा पेपर लीक हो जाता है, कैसे लीक हो जाता है? और करने वाले कौन है? सारे भाजपा के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं एक्सपर्ट लोग। पेपर लीक कर देता है, युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है और सरकार की छवि खराब होती है। इन सारी बातों पर हमने विस्तृत बातें की। और दूसरा था कि अभी फ्लाईओवर चल रहा है, हमने कहा कि शहर को आप सर, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, शहर का विकास करें गांव के साथ साथ। तो इसके तहत जामताड़ा में एक फ्लाईओवर बनना है, जो पुराना कचहरी रोड है हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा बिरविंदिया पुल बन रहा है, हाईवे मैंने बनवा दिया है। तो अगर पुल नहीं बनेगा तो कंजेस्टेड हो जाएगा, लोग आवागमन में दिक्कतें होगी। तो ये फ्लाईओवर भी मंजूर हो गया है, तो मुख्यमंत्री जी काम करने वाले हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस कोटे से जो एक बर्थ